हेलो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल दट इज़ छापड़ा व्लॉग्स आप सब बहुत शौक होंगे कि आप मुझे इस चैनल पर कैसे देख रहे हैं वेल दिस वाज द डिमांड ऑफ अंकित छापड़ा दैट आई नीड टू रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ इन वेरी डिमांड नाउ डेज वी नॉर्मली गेट ऑर्डर्स ऑफ बैट्स विद गटिंग एंड ऑयलिंग विच इज़ रियली गुड and वाई गटिंग इज़ रिक्वायर्ड लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड एंड स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन वाई गटिंग इज़ रिक्क्यर्ड कि जब आप लोग बैट अपना यूज़ करें आप लोग सिक्सर्स मारें अच्छे से खेलें है ना तो आप लोगों का जो बैट है वो बिखरे नहीं वो टूटे नहीं तो हम लोग क्या करते हैं हम यहाँ पर टोप बाइंडिंग करते हैं इसको गटिंग भी बोलते हैं ओके okay, ये हमने क्या किया है ये जो थ्रेड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये नायलन का है जो लेदर बैट्स होते हैं लेदर बॉल्स uh, वाले जो बैट्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं उनको वाइट नायलन के धागे से बाइंड करते हैं विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिखरता नहीं है कुछ नहीं होता uh, मैंने ये कभी करके रखा हुआ है ये मैंने अभी भी किया था अभी हमने इसको आगे प्रोसेस नहीं किया uh, एक ऐसी एक uh, बॉक्स आता है एरल डाइट का एरल डाइट हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे गटिंग करने के बाद हम इसके पूरे के ऊपर एरल डाइट लगा देते हैं विच इज़ एन अधेसिव ये करता क्या है ये एक तो इसको ट्रांसपेरेंट आप देख रहे होंगे आपका बैट बिल्कुल जिसका भी है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है बैट कैसा है नीचे ग्रेन्स कैसी हैं प्लस वो रि जो बाइंडिंग है उसने इसको पूरा टाइटली बाइंड कर दिया और जो एथहेसिव है उसने क्या किया इसको ऐसे कर दिया कि यहाँ से बिल्कुल धागा इधर से उधर हिलेगा भी नहीं वैसे आप देखेंगे बहुत टाइटली इसको हमने किया हुआ बट स्टिल यू कैन सी थोड़ा थोड़ा तो हिल ही रहा है अगर मैं इसके ऊपर एडहेसिव लगा दूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा ये अपनी जगह पर रहेगा एडवांटेजेस कि ये यहाँ से टूटेगा ही नहीं बैट आप कितने मर्जी आराम से खेलें आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि ये बैट टूटेगा तो नहीं, नहीं ये बैट नहीं टूटेगा अब आते हैं एक और मेन टॉपिक पे कि एक ना ब्लैक कलर का भी हमारे पास थ्रेड है ये कहाँ पर यूज़ होता है ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है टेनिस बैट्स के ऊपर जो टेनिस बैट्स होते हैं हम उनके ऊपर जब बाइंडिंग करते हैं तो हम ब्लैक कलर के थ्रेड से करते हैं लेट मी शो यू दिस इज़ अ टेनिस बैट तो जब हम इसके ऊपर बाइंडिंग करेंगे वी विल नॉट यूज़ वाइट थ्रेड एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट एज़ कि ट्रेडिशनली ऐसे ही चला आ रहा है कि टेनिस बैट्स के ऊपर नॉर्मली ब्लैक थ्रेड यूज़ होता है और लेदर बैट्स के ऊपर वाइट थ्रेड यूज़ किया जाता है तो हम उस ट्रेडिशन को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हम उसको वैसे ही मेंटेन करके चलते हैं अब आते हैं कि ये करी कैसे जाती है अभी आप थोड़ा सा देखेंगे मैं हाउ आई विल स्टार्ट डूइंग दैट एंड ये मैंने अभी अभी करके बिल्कुल बस बाइंड करके भी छोड़ा था अभी इसके ऊपर एडहेसिव लगाना है वो वाला हम अभी काम इसके ऊपर करेंगे दैट विल बी अ मिक्सचर वी विल बी मिक्सिंग दैट फर्स्ट एंड देन वी विल बी अप्लाइंग दैट वेरी इन अ थिक फॉर्म सो दैट यू कैन सी द बैट इन दिस मैनर सो नाउ आई विल बी शोइंग यू हाउ टू डू गटिंग इसको हम लगाते हैं साइड पर अभी इसके ऊपर हमने एरल टाइट लगाना है अभी हमने नहीं लगाया तो मैं इसको भी ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ और ये भी सूख रहा है तो इसको भी हम ऐसे ही प्लेस करेंगे और हम निकालते हैं एक एम आर एफ का बैट एम आर एफ का बैट जिसके ऊपर की रैप चढ़ा हुआ है अब पहले हमें रैप को हटाना पड़ेगा और देन वी विल प्रोसीड ओके अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं इसकी स्पेसिफिकेशंस तो लेट्स स्टार्ट वि तो गाइज हमने पहले कटिंग करनी कहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल जो कटिंग होती है वैसे तो लेदर बैट्स में यहाँ पर भी की जाती है शोल्डर पे भी होती है अगर बैट बीच में से ब्रेक हो जाता है फैल जाती है लक्ड़ तो हम यहाँ पर भी करते हैं टू रिपेयर दैट ओनली बट हम यहाँ पर टो बाइंडिंग कर रहे हैं तो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको कटिंग करनी कहाँ पर है सो कैमरा मैन प्लीज़ नीचे आइए अंकित छाबड़ा जी दिस इज़ माई फिंगर एंड ये जो इसका बीच का पार्ट है हम यहाँ पर करेंगे इसको ठीक है माय फिंगर दिस पार्ट इज़ वेरी लार्ज सो मैंने अप मुझे पता है कितना रिक्वायर्ड है तो मैंने उस हिसाब से इसको लिया है ठीक है तो अब हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि हमने कटिंग कितने एरिया में करना है तो अब मैं लूँगी ये वाला वाइट कलर का नायलन थ्रेड तो ये मैंने एक नॉर्मल सा क्या किया है मैंने धागे को थ्रेड को सिर्फ ऐसे करके मैंने पकड़ा है आई हैव नॉट टाइड द नोट इसको मैंने कुछ नहीं किया मैंने यहीं पर प्लेस कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है तो आई नो मुझे यहीं से प्रोसीड करना है गटिंग के फॉर्मेट को तो मैं अपना जो थम्ब है वो थोड़ा सा ऊपर रखूँगी सो दैट आई कैन ईजीली टेक द थ्रेड ओवर हेयर ओके तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस इसका गटिंग का इसमें आप पहले दो तीन बार में आप इसको टाइटली नहीं लेकर जाएंगे उसका एक रीज़न है अगर आप इसको टाइटली खींचना स्टार्ट कर देंगे तो जो नोट है वो आपके हाथ से स्लिप करती रहेगी और आप उसको प्रोसेस कर ही नहीं सकते हो आगे तो हम अभी धीरे धीरे थ्री टू तो फोर राउंड्स पहले देंगे ताकि हमारा जो थ्रेड है वो अपनी जगह पर टिक जाए एंड देन वी विल स्टार्ट टाइटनिंग द थ्रेड और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो क्या है कि हमें थ्रेड को ओवरलैप नहीं करना है मतलब आपका जो एक एक थ्रेड है वो अलग अलग से पार्टीशंस में ही रहना चाहिए जैसे मेरा एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर चढ़ गया बट आई विल डू इज आई विल रिमूव दिस थ्रेड फ्रॉम द फर्स्ट वन सो दैट की ओवरलैपिंग ना हो इस पर तो अब मैंने थ्रेड को थोड़ा टाइटन करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं इसको बहुत लाइक थ्री टू फोर राउंड्स में दे चुकी थी तो मैंने इसको टाइटन करना स्टार्ट कर दिया था साथ में ही ताकि अपनी जगह पर मेंटेन हो जाए एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो थ्रेड है वो स्ट्रेट रहे ठीक है इधर से उधर ना हो और अगर हो तो आप उसको मैनेज करके जैसे कि मेरा हुआ देखो मैंने इसको अपनी जगह पर बाइंड कर दिया और मैं साथ साथ उसको टाइट भी करती जाऊंगी ताकि वो अपनी जगह से ना हिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट बॉल होती है अगर आप यॉर्कर से खेलते हैं तो क्या होता है यॉर्कर जो बॉल होती है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर हिट करती है टो तो पर ही हिट करती है और अगर आपने उससे खेली आपसे नहीं खेला गया तो आपका जो बैट है वो वहीं से फर्स्ट बॉल पर ही बिखरना स्टार्ट हो जाएगा सो दैट विल नॉट बी द फॉल्ट ऑफ मैनुफैक्चरर हु एवर इज़ दैट पर्सन और फॉर्म और एनी वन दैट विल बी फॉल्ट ऑफ द स्किल यू कैन से और यू हैव नॉट परफॉर्म दटिंग वन दैट सो यू नीड इट वट वी डू विद दटिंग इज़ हम जो इम्पैक्ट होता है बॉल्स uh, का वो कम हो जाता है बैट के ऊपर और आपका जो बैट होता है उसकी जो लाइफ होती है लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है फिच इज आई थिंक आप थोड़ा सा अगर स्पेंड कर भी रहे हैं गटिंग करवाते टाइम तो इट्स ओके okay. आप अपने बैट की लाइफ बढ़ा रहे हैं देखो बैट ऑब्वियसली गटिंग के प्राइस से तो ज़्यादा महंगा ही आता होगा ना चाहे आप कितने भी पाँच हज़ार का भी फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैट चूज़ करते हैं एंड गटिंग का कितना चार्ज करोगे आप लोग वो तो ऑब्वियसली कम ही रहने वाला है इफ़ आई कम्पेयर ट विद द प्राइस ऑफ द बैट कटिंग मैंने एक नोट uh, निकाला था यहाँ पर आपको अगर याद हो तो मैंने क्या किया कि जो यहाँ पर मेरा थ्रेड आया था लास्ट थ्रेड जो आया था वो मैंने उसके बीच में से निकाल कर जो मेरा थ्रेड इधर को लाया कर रहा था मैंने उसको ऐसे नोट अब बन गई है नोट इसके इन सब थ्रेड्स के नीचे से वो नोट निकल रही है और थोड़ा सा विजिबल है यहाँ पर यू कैन सी दैट फ्रॉम द सेकेंड थ्रेड यू कैन सी यहाँ पर कुछ है राइट right? तो हम अभी क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हम इसको काट देंगे और बाकी के ऊपर हम एरल डाइट लगा देंगे इन द सेम वे दैट वी हैव डन हर यू कैन सी आपको थ्रेड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कोई नोट नहीं दिख रहा है यहाँ पर बट या देयर इज अ नोट

चीज़ कराएं और पेरेंट्स ही करवाएं इफ यू आर ओके ये एक और भी रीज़न है कि हमें ये पेरेंट्स को ही करवाना पड़ेगा क्योंकि ये जो थ्रेड है ये बहुत ज़्यादा पतला है और मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था मैं इसको ऐसे टाइट करती थी खींचती थी उसको टाइट करने के लिए तो मेरे भी हाथ कट गए थे इस करके भी ये जो अगर आप मैं तो ओके okay, मैंने आपको सिर्फ एक डाइट का बोला था ना कि ये प्रोडक्ट आपको अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ नहीं करना नो no. आपको ये वाला टास्क भी अपने पेरेंट्स के साथ ही परफॉर्म करना है उनकी गाइडेंस में परफॉर्म करना है अगर आप करना चाहते हो तो, तो मेरी भी अपेयरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी आप लोगों की मेहरबानी रहती है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अप्रीशियेट करना लाइक करना अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करना तो अब जैसे कि हमने ये रेजिन और हार्डनर का कंपाउंड ले लिया इसको हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है इनटू मैजिकल वाइट आप देख सकते हैं बच्चा लोग प्लीज़ एडवाइस है कि आप एक घर में मत ट्राई करें हमें प्रोफेशनल्स को मौका दें और अगर आपके पास जो 18 प्लस हैं अगर आप ये खुद करना चाहते हैं यू कैन डू क्योंकि कई बार ये सिचुएशन ऐसी होती है कि वी आर ऑन ऑफ़ कि नहीं हो पाता और आपको इमरजेंसी होती है इन दैट केस यू कैन ओनली डू तो हम अपने हल्के हल्के हाथों से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैक साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं इसको हल्के हाथों से लूँगा और यहाँ से इसको लगाना शुरू कर दूँगा एंड इन नेक्स्ट फोर टू सिक्स आवर्स ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाएगा और बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन एज इट इज़ ले लेगा कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं और बैलेंस हिल जाता है बैट का और ये प्रोफेशनल वे यही है कि आपको इतनी ही मार्किंग में करना है अगर आप शोल्डर में भी कर रहे हैं तो इतनी ही मार्किंग और डिपेंड करता है अगर आपका बैट बीच में से फट जाए कितनी आप उसको बाइंडिंग दे सकते हैं वो डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन पे एंड आप प्लीज़ एडवाइज़ेबल है कि आप इसको वीडियो को फ्रॉम ज़ीरो टू लास्ट सेक्शन तक देखें आप देखें थोड़ा सा मेरी उंगली से स्प्रेड हो गया बट आई कैन डू लास्ट में मैं इसको साफ़ करूँगा और आपके लिए बैट बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है आप देख सकते हैं जो इसमें सॉल्यूशन था जो हमने मिक्स करा था वो इस पे लगा दिया गया है और ये आपका बैट फॉर नेक्स्ट फोर टू सिक्स अंडर ईयर आप कह सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में और द थिंग इज़ कि अभी जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये आपने एक बॉक्स ले लेना है या पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा बॉक्स ले सकते हैं आपको यहाँ पे कीप करना है और आपको इसको बिल्कुल भी छेड़ना मत और ये जो फिंगर्स हैं इनको बिल्कुल साफ़ कर लेना क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग द फूड राइट वे क्योंकि थकान हो जाती है गडिंग करते करते तो स्टेट वे बाब बाय टेक केयर लव यू ऑल मिलता बहुत जल्द डेली आप थैंक यू